क्या कमा लेते क्या कमाते डेली 100-150 ईद को कपड़े खरीदने पैसे हैं आपके पास? कितने कमाते डेली? अच्छा अच्छा, जो आपके पापा को बुला जाए 100-200 रुपये कमाते हैं, उसके मोल मजदूरी करने वाले अब क्या है, कुछ कुछ अपना इंतजाम नहीं हो रहा, तो खुद के कारोबार पे चले, चलो भाई 150 रुपये कमा रहे, घर के लोग लोगों के बर्तन और घस के मान के खा लेते, 3,000 रुपये का किराया का घर है, किराया का तो डेली देना ही देना है, किराया माफ नहीं हो रहे, अब क्या परेशानी हो रही, बच्चों की भी अब पढ़ाई बंद हो गई, कहाँ घर को बिठा लेते, बोलते चलो भाई 150 रुपये ला लो, बोलते कमा लेते, घर खर्चा चल जाता साहब, क्या करेंगे, बोलते बच्चों को खड़े कर दिए, आज खड़े कर दिए, नहीं भी उन्होंने तो मैं वाला जानवर भाई खड़े रह जाओ 10-5 रुपये खर्चे को तो आ जाते बोलते खड़े, अभी सब घर पे बना देते पापा और आशा सब, हाँ पूरा सब पूरा घर पे बना के भेज देते। जैसा हमारे भाई जो सुना रहे थे, जो डेली जो कमाने की जो इनकी तकलीफ़ात है, तो वो बता रहे थे कि डेली ये लोग कैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे तो हमारी नज़र इनके फर्जनों पर पड़ी, तो दोनों इनके फर्जन हैं, तो ये दोनों फर्जन जो है ये वालिद साहब की इनकी बंडी से थोड़ी दूर पर ये लोग पापड़ का कारोबार कर रहे हैं, दोनों लड़के बहुत छोटी उम्र है, मासूम बच्चे हैं, तो हम लोगों को देखा नहीं गया, और माशाल्लाह जब इनसे सवाल जवाब किया तो ये लोग ये पता चला कि ये लोग से हम ये सवाल करें कि क्या बेटा अभी ईद की कुछ तैयारी हुई है, तो ये लोगों ने बोला नहीं भैया हम लोग जब कमा लेंगे तो जब उस वो पैसों से हम कपड़े खरीद लेंगे, तो ये सवाल हम जब पूछे तो हमसे रहा नहीं गया, तो हम फौरी इनको निकाल कर फौरी तौर पर जो है ना कुछ मदद की है, तो माशाल्लाह इनके ईद के कपड़े भी आ जाएंगे, तो हम ऐसी खुशी बांटते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों तक पहुँचे और हर जगह से लोगों को पहचान कर आप कुछ ना कुछ मदद करें मेरे भाई, जो हर घर में ईद मने और हर चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।